हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी गुजरात बोर्ड कैंसिल हुई है, गुजरात बोर्ड आज कैंसिल हुई है। और गुजरात बोर्ड के बाद बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि भाई बाकी बोर्ड का भी क्या होगा। तो सर यहाँ पर बाकी बोर्ड भी कैंसिल होगी जैसे यहाँ पर गुजरात बोर्ड कैंसिल हुआ है। और मैं आपको बता दूं क्या यहाँ पर सबसे मुख्य संभावना है, क्यों आखिर ज्यादा चांसेस है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा मत करो यार, बहुत गुस्सा आता है सर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो। सर यूपी बोर्ड अभी बची है, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड बची है अभी, जैक बोर्ड बचा है अभी, एमपी बोर्ड बचा है अभी, महाराष्ट्र बोर्ड बचा है अभी, और तेलंगाना बोर्ड बचा है अभी, राजस्थान बोर्ड बचा है अभी। इस तरीके से और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड के अभी एग्जाम्स बाकी हैं। भाई क्यों कहा मैंने कि बोर्ड यहां पर कैंसिल होगी, जैसे कि आज की मैं अपडेट बता दूं आपको, तो हालांकि देखिए जैसे कि मैं पूरा अपडेट बताता हूं आपको पढ़ के, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सीबीएसई और आईसीएसई की बाद अब गुजरात बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुख्य बात मैं आपको बताऊं तो गुजरात बोर्ड ने यहां पर डेट शीट भी जारी कर दिया था भाई। यहां पर जो उनका अनाउंसमेंट भी हो गया था कि एग्जाम इतने तारीख को होना है, डेट शीट भी जारी हो गई थी, उसके बाद भी बैठक हुई, उसके बाद फिर डिसीजन लिया गया कि 12th बोर्ड अब कैंसिल होता है वहां का। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिए बाकी स्टेट बोर्ड क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि देखिए क्या है राज्यों के सरकारों की राय, कोरोना के संकट कारण में कई राज्य सरकार एग्जाम कैंसिल कराने की अपील की थी, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा था कि एग्जाम नहीं होने चाहिए। अब जब सीबीएसई जैसे बड़ी परीक्षा रद्द हो सकती है तो भाई स्टेट बोर्ड वाले भी रद्द हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे बोर्ड बड़े ही है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि हम सीबीएसई वाले हैं और हम स्टेट बोर्ड वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार बुधवार या गुरुवार को फैसला ले सकती है। केंद्र के फैसले का राज्य सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने स्वागत किया है, साथ ही साथ संकेत दिया है कि राज्य में भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यूपी बोर्ड भी कैंसिल हो सकता है भाई, कैंसिल हो सकता है, 110% कैंसिल हो सकता है। हरियाणा केंद्र की तरह ही राज्य सरकार ने अपने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बच्चों के पास कैसे पास कैसे किया जाए इसकी क्राइटेरिया भी जल्द जारी होगी। या एक 10वीं परीक्षा रद्द हो चुकी है, हरियाणा बोर्ड ने भी अपना 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दिया था, 12वीं बोर्ड भी रद्द हो ही गया है, समझ लीजिए रद्द हो ही गया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के कहर सबसे ज्यादा है, ऐसे में बच्चों को लेकर चिंता है। राज्य सरकार ने भी ये बात कही है कि यहां पर स्टेट बोर्ड वाला जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सरकार की टिप्पणी से संकेत मिल रहा है कि परीक्षा को रद्द ही किया जाएगा, ठीक है। अभी जो भी टिप्पणी इसकी की जा रही है उसके बाद यही माना जा रहा है कि यहां पर भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा। बात करें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करें तो चुनावों के बाद वेस्ट बंगाल में कोरोना का तेजी से फैला था, भाई कोरोना तो पहले से था, ये तो फिर इलेक्शन की वजह से रुका हुआ था। स्टेट बोर्ड की परीक्षा का ऐलान किया जा सकता है साथ ही साथ, लेकिन ये पेज भी फंसा हुआ है क्योंकि सभी विभाग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द हो गई है। अभी तक जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वेस्ट बंगाल में होने वाले थे वो सारा रद्द हो चुका है। तो एग्जाम भी कैंसिल होने का बेहद चांस है, एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है। राजस्थान हिंदी पट्टी का राबड़ा राज्य राजस्थान बुधवार स्टेट बोर्ड की परीक्षा को लेकर ऐलान कर सकता है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग होने में, इस दौरान यहां पर बुधवार या फिर थर्सडे या फ्राइडे तक यहां पर भी सुनवाई हो जाएगी और यहां पर भी एग्जाम कैंसिल होगा। यहां पर भी सारा जितने भी शिक्षा मंत्री हैं उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं और स्कूल से भी कुछ मीटिंग होगी और इसमें यह बात कही गई है कि एग्जाम को यहां पर भी एग्जाम कैंसिल होगा। तो भाई फिर और क्या है, बात है मजाक है, पूरा मौज कीजिए। यूपी बोर्ड भी कैंसिल होगी यहां पर, वेस्ट बंगाल भी कैंसिल होगा, जैक बोर्ड, एमपी बोर्ड और भी जितने तेलंगाना बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है सारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, टेंशन नहीं लेना है, सारे बोर्ड यहां पर एग्जाम कैंसिल होंगे। तो भाई बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल साथ बने रहिए हमारे साथ, चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम आपके साथ ही रहेंगे भाई। आप जो भी सब्जेक्ट चूज कीजिएगा उसके बाद भी हम ही आपके साथ रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली का, धन्यवाद।